कुख्यात बदमाश और अनिल दुजाना गैंग शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, दर्जनों मामलों में चल रहा था फरार। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 75,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 9 साल से गैंगस्टर के मामले में चल रहा था फरार। अनिल दुजाना व रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर है अनुज चौधरी, कई बड़े मामलों में चल रहा था फरार। 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। दादरी पुलिस बदमाश की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाश को गोली लगी। बदमाश के पास से सेंट्रो कार, एक कार्बाइन पिस्टल दादरी पुलिस ने बरामद की है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के रामगढ़ पर यह मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा दादरी कोतावली पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ाकर चल रहा यह शख्स बड़ा ही शातिर किस्म का शार्प शूटर है, जो पलक झपकते ही हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी अनुज चौधरी कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना गैंग और रणपाल गैंग का शार्प शूटर है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए अनुज चौधरी आज रामगढ़ क्षेत्र में आने वाला है, जहां पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी। तभी पुलिस को एक सेंट्रो गाड़ी आती दिखाई देती है। पुलिस सेंट्रो कार को जब रुकने का इशारा करती है तो सेंट्रो कार सवार युवक तीव्र गति से कार को लेकर भागने लगता है। पुलिस कार सवार का पीछा करती है तो कार सवार पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें बदमाश घबरा जाता है और कार डिसबैलेंस होकर गड्ढे में फंस जाती है, जिस पर बदमाश कार छोड़कर भागने लगता है और पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। तभी पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। पुलिस दौड़कर घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े गए बदमाश की पहचान अनुज चौधरी के रूप में हुई है, जिस पर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ सहित कई जिलों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और गैंगस्टर जैसे मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश पर गौतम बुद्ध नगर में 50,000 रुपए जबकि गाजियाबाद से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों जिलों में मिलाकर 75,000 रुपए का इनाम बदमाश पर घोषित था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एडिशनल DCP विशाल पांडे का कहना है कि पकड़े गए बदमाश के पास से कार्बाइन, एक पिस्टल, एक सेंट्रो कार पुलिस ने बरामद की है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि किस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश आज ग्रेटर नोएडा में आया हुआ था। इसके साथ ही पुलिस पकड़े गए बदमाश के आपराधिक इतिहास को भी खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आज दादरी पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक बहुत ही शातिर अपराधी, जो कि अनिल दुजाना और रणदीप गैंग का ये बहुत ही शातिर शूटर है और कई मामलों में ये वांछित चल रहा है, दादरी से गैंगस्टर में, सूरजपुर से हत्या में, कासना में हत्या के प्रयास में, इसी प्रकार गाजियाबाद से, हापुड़ से, कई जनपदों से वांछित चल रहा था। इस पे जनपद गौतम बुद्ध नगर से भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और गाजियाबाद से जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। ये इसका नाम अनुज चौधरी है। ये मुखबिर की ये सूचना थी कि आज ये अपनी कार से इस रास्ते से जाएगा, यहाँ पे घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में, काउंटर एक्सचेंज में, पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल भेजा गया है। अभी जो इसकी मौके पर पिस्टल बरामद हुई है, एक कार्बाइन बरामद हुई है, फोरेंसिक की टीम आ रही है, अभी हम लोग पूरी कार की छानबीन करेंगे। बहुत ही शातिर अपराधी है, ये दादरी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।